हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं समर मैक्सी ड्रेस बनाने जा रही हूँ। अक्सर हमारे पास ऐसी साड़ियाँ होती हैं जिन्हें हम यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो उन साड़ियों का रीयूज़ कैसे करें, आइए इस वीडियो में हम देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये आपकी साड़ी है, ठीक है, तो ये इतना हिस्सा ये आपका आँचल रहता है, फिर आँचल से ही जुड़ा घुटने से नीचे तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक वापस से डिज़ाइन बना हुआ रहता है, फिर यहाँ से थोड़ी दूर पे और प्लेन रहता है। तो मैंने प्लेन वाले को भी कट कर लिया है और आँचल को भी कट कर लिया है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो घुटने वाली स्पेस है, इसको मैं यहाँ से अलग से कट कर लूँगी। तो मैंने अपनी साड़ी से ये आँचल को सेपरेट कर लिया कट करके, और ये जो प्लेन हिस्सा है इसको भी मैंने कट कर लिया। अब ये बीच का हिस्सा बचा, ठीक है, तो अब मैंने फ्रिल के लिए इसको मैंने कट कर लिया है। नीचे का जितना मैं कट करके रखी हूँ घुटने से नीचे का एरिया का, उसको मैं छोटे छोटे चुन्नट देके गैदरिंग जैसा ही, और मैं 2.5 मीटर तक में पूरा बना लूँगी चुन्नट। तो मैं ये जितने डिज़ाइन हैं उसके मैंने फ्रिल बना लिए हैं, आप देख रहे होंगे पिंक कलर में है, और ये जो ग्रीन कलर का प्लेन है इसमें मैं इसको ऐसे अटैच कर लूँगी, ठीक है। अब इसके बाद जितना आपका कमर है उतने में आपको चुन्नट डाल लेना है, कमर का साइज नाप लेके। अब ये देखिए मैंने कमर पे चुन्नट डाल के सिलाई कर लिया है, तो ये कितना सुंदर दिख रहा है। ये ड्रेस बनाने के लिए ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, ये बहुत सिंपल है, जस्ट कटिंग करना है और जोड़ते जाना है। तो मैंने ये ब्लाउज़ के लिए एक स्ट्रेट कपड़ा रखा हुआ है, अब इसमें भी चुन्नट डाल लेना है। चौड़ाई इसकी 15 इंच है और लंबाई करीब 1 मीटर की है। इस टॉप के लिए मैं इलास्टिक यूज़ कर रही हूँ, तो इसलिए इसको नापने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से इलास्टिक डाल सकते हैं ऊपर में। अब ये देखिए मैंने कमर को भी टॉप से अटैच कर दिया है। मेरे पास एक वेलवेट का कपड़ा पड़ा हुआ था, तो मैंने उसका बेल्ट में यूज़ किया है। इस टाइप से मैं बेल्ट बना के और उसमें अटैच करूँगी।
टॉप स्लीवलेस है तो इसमें मैं दोनों साइड से पतली पट्टी लगा लूँगी क्रॉस में। इस पे सिलाई होने के बाद ये इस तरीके से दिखेगा। तो अब मेरा समर मैक्सी ड्रेस बिल्कुल रेडी है। मैंने सिलाई कर लिया है तो बनने के बाद ये ऐसा दिख रहा है। देखिए अब मैं इसे पहन के दिखाती हूँ आपको।